Hello everyone, once again in the class 9th maths chapter 4 linear equations in two variables. Before this exercise we have learned each and every concept of pair of linear equations in two variables. Now in this exercise हमें problems दी हुई हैं words में और उनकी इक्वेशन फॉर्म करके हमें टेबल बना के एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को प्लेस फाइंड करना है एंड देन उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट भी करना है, प्लॉट भी करना है. सो वील स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें उनके ग्राफ को ड्रॉ करना है. सो इन द फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इक्वेशन है. यहाँ हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करना है. सो एक्स की वैल्यू हम अपनी तरफ से प्लेस करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी. वो इक्वेशन में करते जाएंगे. सबसे पहले हमारे लिए ईजियर वैल्यू होती है 0. सो एक्स के प्लेस पर हम 0 लिखेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास में y की क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई y की वैल्यू. नेक्स्ट हम 1 ले लेंगे तो यहाँ अगर हमने 1 रखा तो ये 1 जो है वो 4 में से माइनस होगा यहाँ पे आके, तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो बचा हमारे पास में 3. तो y इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 3. एंड वन मोर वैल्यू हम 2 रख देते हैं तो वापस ये 4 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 2. तो एक हमारे पास टेबल हमारी ये बन गई जहाँ पे वैसे तो हमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास में 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, बट 3 वैल्यूज़ लेने पे हमारे पास अच्छे से स्ट्रेट लाइन बन जाती है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं. तो ग्राफ इनका जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा और वो 3 कोऑर्डिनेट्स होने से बहुत अच्छे से क्लियरली हम उसको मेंशन कर पाएंगे. एंड नेक्स्ट अभी हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर भी प्लॉट करेंगे. एक और क्वेश्चन पार्ट हम इसी क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये जो सॉल्व करने की का जो मेथड है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. सो इन द थर्ड पार्ट y इक्वल्स टू 3x, अगेन x एंड y हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमने यहाँ अगर 0 लिया y इक्वल्स टू 3 इंटू 0. ये 3 और x जो है वो इंटू में है हमें पता है. सो 3 और 0 होके 0 हो गया तो वैल्यू y की क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई. सेम अगर हम 1 रखते हैं तो ये देखिए यहाँ हमने 1 रखा तो 3 वनजा 3 हो जाएगा तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई. सेम हम नेक्स्ट वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 3 टूजा 6 आ जाएगी. इन दिस वे हम कितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं बट हमें ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 वैल्यूज़ ही रिक्वायर्ड होती हैं. फिर भी हमने 3 वैल्यूज ली हैं और अब हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. सो हियर वी हैव टेकन अ ग्राफ, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ग्राफ को क्योंकि हमें पता है कि 4 पार्ट्स में यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं. क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑल 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर एंड इनके हमें साइन भी पता है 4 क्वाड्रेंट्स के. फर्स्ट वाला जो होता है वहाँ पे हमारे पास प्लस प्लस साइन वाले नंबर्स होते हैं, सेकंड वाले में हमारे पास में माइनस और प्लस होते हैं. आपको सिर्फ अगर ये ध्यान नहीं भी रहता है तो आप यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें से हमें सबसे पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट लेना होते हैं. सो माइनस और प्लस हो गए. यहाँ हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एंड माइनस है एंड नेक्स्ट फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास में प्लस एंड माइनस कोऑर्डिनेट्स होते हैं. अब हम फटाफट से हमने जो अभी टेबल बनाई है एक्स और वाई की फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट की वो हम इसी सेम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट वाला जो हमारा था वहाँ हमारे पास 0 और 4 आया था. 0 तो ये हो गया हमारा, 4 ये हो गया, हमने एक सर्कल कर दिया यहाँ पे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया. नाउ 1 एंड 3, सो 1 एंड 3 ये हो गया हमारा सेकेंड वाला, 2 एंड 2 तो ये हमारा हो गया थर्ड. अब अगर हम इसे ज्वाइन करके स्केल से बहुत ही प्रॉपरली अगर हम लाइन बनाते हैं तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी.
ऐसे। इसके दोनों साइड आप एरो बना सकते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं, 0 and 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको लिख देना था यहाँ पे 1 and 3, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2 and 2। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम थोड़ा सा छोटी छोटी राइटिंग में लिखेंगे इन दिस वे। नाउ सेकेंड, जो हमने थर्ड पार्ट का हमने एक और टेबल बनाया था एक्स और वाई की वैल्यूज़ को लेकर, वो भी हम यही मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट हमारा उसमें 0 and 0 था, सेकेंड हमारा 1 and 3 था। अब ये थोड़े से कंबाइन होने की सिचुएशन आ गई, यहाँ पे 1 and 3 कॉमन पॉइंट है एंड द नेक्स्ट 2 and 6 था हमारे पास। तो 2 तो ये है और 6 हमारा आ रहा है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स ही काफ़ी ज़्यादा एक साथ आ गए हैं, तो हमें इन्हें अलग अलग ग्राफ पर, ये ऐसे बनेगा, दो अलग ग्राफ पर हमें इन्हें मेंशन करना था, बट नो प्रॉब्लम। हमें सिर्फ वो मेथड सीखना है कि हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं एक्स और वाई के, उन्हें हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। ये भी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है, इसीलिए हम इसे थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें ओवरऑल वो मेथड सीखना है कि कैसे हमें कोई एक सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन से हमें अपनी इक्वेशन को फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करके हमें एक टेबल बनाना है, टेबल में एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हमें फाइंड करना है, और वो जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की उस बेसिस पे हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो नाउ कम इन द सेकेंड क्वेश्चन, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 lines पासिंग थ्रू दिस, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। देखिए हमसे पूछा है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स, मोर सच लाइन्स तो अगर हमारे पास में किसी एक पॉइंट से, पॉइंट भी दिया हुआ है, किसी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन्स पूछी हैं, तो वो तो हमारे पास में इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती हैं। सो वी नो दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू एनी गिवन पॉइंट, ये तो हमें पता है। अब हमें इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन्स के इक्वेशन भी लिखना है, तो वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं, 7x-y=0 एंड 2x+y=18। आप ये जो पॉइंट्स हैं इस में प्लेस करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं। देखिए 7 2 14 हो जाएगा, और यहाँ 14 रखा, 14-14 हमारे पास में 0 हो गया। और सेम सिचुएशन इस वाली इक्वेशन में भी हम कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 2 4 4, और यहाँ पे 14 हो गया, 4 और 14 कितना हो रहा है 18। तो ये हमारे पास में ये दो इक्वेशंस आ गई, ऐसी हम बहुत सारी इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो आफ्टर दिस इन क्वेश्चन 3, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे हमें कुछ एक और सिचुएशन नई क्रिएट की है, और हमने एक इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन है, और वो जो इक्वेशन है वो पॉइंट 3 4 पर लाए करती है। लाए करने का मतलब ये हो गया कि अगर ये इक्वेशन इस पॉइंट पर लाए करती है, तो इस इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर हम इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर हम इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं, तो वो वैल्यूज सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही हैं, और उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को फाइंड करना है। सो हमने इक्वेशन लिख ली 3y=ax+7, यहाँ पे एक्स एंड वाई के प्लेस पे हम क्या वैल्यूज़ रखेंगे, 3 and 4। सो हम फटाफट से यहाँ रखते हैं 3 into, यहाँ वाई की वैल्यू लिखनी है, सो 4 है, और ए इंटू 3 हो गया एंड प्लस 7, तो 3 4 12 हो गया =3a, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, +7, 3a को हम यहीं रहने देते हैं, 7 हम ट्रांसफ़र करते हैं, 12-7=3a, 12 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच रहा है, 5 हमारे पास में रिमेनिंग बच रहा है, सो 5 = हमारा हो गया 3a, एंड फाइनली ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो a = हमारे पास, हमने इसको अरेंज भी कर दिया, a = 5/3, एंड दिस इज़ द फाइनली आंसर, राइट। इन दिस वे अगर हमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और वो इक्वेशन पर लाए करते हैं, तो उसे सेटिस्फाई करके हम a की या k की या कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ आफ्टर दिस
क्वेश्चन थ्री, कम टू क्वेश्चन फोर. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज 8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज रुपीज वाई. राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. अब हमें ये कंप्लीट क्वेश्चन दे दिया जहाँ पे कि हमें एक सिचुएशन भी दी है. उस सिचुएशन से हमें अपनी लीनियर इक्वेशन को भी फॉर्म करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है और ग्राफ पर भी उन्हें प्लॉट करना है. सो फर्स्ट हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को समझने की. वहाँ है द टैक्सी फेयर, मतलब एक सिटी में जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी का किराया है, वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही, सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जैसे ही मैं एक टैक्सी में बैठती हूँ तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मेरे पास किराया कितना है, 8 रुपीज है. ये मुझे दे रखा है कि जैसे ही टैक्सी में बैठी तो 1 किलोमीटर के तो मुझे रुपीज 8 फिक्स लगेंगे. और फिर उसके बाद जितने किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करती हूँ तो हर किलोमीटर का मुझे रुपीज 5 देना होगा. अब मुझे ये नहीं पता है, जो डिस्टेंस कवर किया है मैंने, जो बैठा है, वो मुझे पता है कि x किलोमीटर है, उसका एग्जैक्ट मुझे वैल्यू पता नहीं है. एंड द टोटल फेयर, जो टोटल फेयर मतलब जब टैक्सी मैंने छोड़ी और जो मैंने उसे किराया दिया वो मैंने दिया रुपीज़ वाई दिया. तो इसकी मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो हम ट्राई करते हैं बिल्कुल इसको रियल लाइफ से रिलेट करके. यहाँ पे मैंने लिया कि ये टैक्सी में मैंने इस प्लेस से मैंने टैक्सी को लिया और यहाँ पे मैं उसमें बैठी. तो 1 किलोमीटर, ये जो 1 किलोमीटर है ये फिक्स है और वो है मेरे पास में रुपीज़ 8, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. और टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक जाना है टैक्सी से, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गया मेरे पास में x किलोमीटर. तो उसमें से 1 किलोमीटर का तो मेरा लग ही गया 8 रुपीज़. तो बाकी का जो बचा मेरा, ये प्लेस मैंने मेंशन किया है कि यहाँ तक 1 किलोमीटर है और इसके बाद का जो बचा, तो वो कितने किलोमीटर बचा है सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा. तो जब टोटल x है, x में से 1 चला गया तो बचा मेरे पास में x माइनस 1 किलोमीटर. अब जो ये x माइनस 1 मेरे पास रिमेनिंग बचा, वहाँ पे हर एक किलोमीटर का मुझे कितना चार्ज लग रहा है, रुपीज़ 5 लग रहा है. थोड़ी आपको सिचुएशन क्लियर हुई यहाँ पर देखने से. अब हम इसे धीरे से इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. इसे हमने लैंग्वेज में भी यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं जो आप भी क्वेश्चन से बहुत इजीली मेंशन कर सकते हैं. अब आते हैं हम इक्वेशन पे. इक्वेशन को लिखने से पहले हम एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ. ये हमने शॉर्ट में लिखा है लेकिन एग्जाम में हमें फुल लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. राइट, अब हमने टोटल किराया दिया यहाँ पे y, तो ये हमने लिखा यहाँ पे y, y इक्वल्स टू. अब हमने यहाँ पे क्या काम किया कि सबसे पहले 1 किलोमीटर का हमने 8 रुपीज़ दे दिया, फिर प्लस हमने हमारे पास बचा x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 ये बचा हमारे पास और इसका हर 1 किलोमीटर का लग रहा है मुझे 5 रुपीज़. तो अब आप देखिए कि आपको सिचुएशन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि ये तो हमारा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए और ये बाद के जितने भी किलोमीटर्स बचे उसमें हर 1 किलोमीटर में 5 रुपीज़ है. तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 हमने कर दिया, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई. थोड़ा सा इसे हम सिंपलर कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करके हमारी टेबल भी कम्प्लीट करना है. सो 8 प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 5 हो गया. थोड़ा और सिंपलर कर लेते हैं, 8 में से 5 गया तो हमारे पास में 3 रिमेनिंग बचा और यहाँ से हम 3 प्लस 5x हमने कर दिया और ये हमने y कर दिया. अब इस इक्वेशन को हम ऐसा ही रहने देते हैं, यहाँ हम वैल्यूज़ प्लेस करते जाते हैं x की और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं. सबसे पहले ये हमारी x और y, हम 0 वैल्यू लेते हैं वो हमारे लिए सिंपलर होता है. तो यहाँ 5 इंटू 0 हो गया तो y इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, 3 आ गया. ठीक वैसे ही अब हम नेक्स्ट भी प्लेस करते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हम हमेशा लेते हैं तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, तो जिससे हमें थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा. जैसे कि हमने, या अगर हम पॉजिटिव, हमारी चॉइस है, हम कुछ भी ले सकते हैं. सो यहाँ हमने सपोज 1 ले लिया तो हो गया 5 1 5, 5 n 3 8 हो गया. 1 लिया तो हमारे पास में हो गया ये 8 हो गया. और ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे अगर 2 ले लिया ये,
ये ले लिया, 5 × 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 13 हो जाएगा, तो 2 लिया तो 13। पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हम ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये टेबल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हम कैसी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें जब ग्राफ में प्लॉट करना है तो वहाँ तो हमारे पास 4 quadrants होते हैं और उन ऑल 4 quadrants में हम अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज से के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको ये ग्राफ पे प्लॉट करना आ गया है, हम अब इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मैथ्स नोटबुक में ग्राफ को पेस्ट करके उस पर ये कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट। आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ऑल्सो वी हैव टू कवर, सो हियर 4, देन आफ्टर आई थिंक ओके वी हैव लेफ्ट क्वेश्चन 5 फॉर यू स्टूडेंट्स बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आफ्टर दिस जस्ट रीड द क्वेश्चन, if the work done by the body in application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. Single time जब हम question को read करते हैं word problem को तो हमें जल्दी से सारी सिचुएशन क्लियर नहीं होती, देन वंस अगेन हम बहुत स्लोली उसे रीड करेंगे और एक एक वर्ड से हम उसका मीनिंग को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमें एक वर्क डन की बात हो रही है, बॉडी के थ्रू कोई वर्क हो रहा है और वहाँ पे कोई कांस्टेंट फोर्स भी डायरेक्टली लग रहा है, किस पर लग रहा है, बॉडी पे, बॉडी जितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। इन वर्ड से मैंने कुछ यहाँ से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मीनिंग फाइंड किया। अब कुछ वर्ड्स भी हम लिख लेते हैं, तो लेट द वर्क डन इज इक्वल टू W, हमने मान लिया कि जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, कैपिटल W हुआ है। हमें हम अपने साइंस में भी ये पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो वर्क हमारा हुआ है किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कैपिटल W होता है। और कांस्टेंट फोर्स की भी बात हुई है यहाँ, तो हमने मान लिया हमारा जो कांस्टेंट फोर्स है वो हो गया F। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू हमने ले लिया कैपिटल D। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क कर सकते हैं और वो हमें करना है, वहाँ हमें कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अब हमने लिया है W, हम ले लेते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द D। ये जो साइन हमने यूज़ किया है ये प्रोपोर्शनल वर्ड के लिए यूज़ किया है, प्रोपोर्शनल मीन्स बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है इसका, W का जो रिलेशन है डायरेक्टली डिस्टेंस ट्रेवल के साथ में है। तो जब हमें ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटाना होता है, तो आपको पता है साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि W इज इक्वल टू हमने लगा दिया, कुछ एक कांस्टेंट आता है जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट हमें फोर्स लेने के लिए कहा है, तो फोर्स इनटू हमने ये कर दिया D। अब हमारे लिए बहुत सिंपल काम हो गया, यहाँ हम वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे, हमें W वर्क और डिस्टेंस में हमें टेबल बनाना है। तो हम क्योंकि जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट है तो उसे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, W और D को किसी भी एक की वैल्यू, हम W की वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे तो D की वैल्यूज हमारे पास में आती जाएंगी। और जो कांस्टेंट फोर्स है वहाँ भी हमें दो सिचुएशन दी हैं कि एक सिचुएशन में हमें जबकि 2 units लेना है और सेकंड सिचुएशन में हमें 0 unit लेना है, तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं। हमने W 0 लिया तो हमारा D जो है वो भी 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 है तो ये 0 होने से भी 0 हो जाएगा, तो 0 वैल्यू हो गई फर्स्ट। फिर हमने इसके बाद में हमें लेना है क्या चीज़, हमें लेना है ये दो जो हमें दे रखे हैं ना, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये जो हमें 2 और 0 दे रखा है ये हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो हमने
पहले जीरो वाली सिचुएशन ले ली, अब नेक्स्ट हम टू ले लेते हैं, जो डिस्टेंस हमने टू लिया तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा टू वाली सिचुएशन में थोड़ा सा हमें इसे वन भी करना होगा, ये हमने करा वन जब हमने रखा तो हमारे पास में आ गया फाइव, और टू जब हमने रखा तो हमारे पास में आ गया टेन, क्योंकि हमें जो कांस्टेंट लेना है हमें उसकी वैल्यू भी दी हुई है, फाइव यूनिट्स हमें दी हुई है, तो जो ये फोर्स है यहाँ पे ये फाइव है, और फिर हम वैल्यूज़ डी की प्लेस कर रहे हैं, तो जब हमने ज़ीरो रखा तो हमारा डब्ल्यू भी ज़ीरो आ गया, जब हमने वन रखा तो ये हमारे पास में फाइव आ गया, और जब हमने टू रखा तो फाइव इंटू टू हमारे पास में टेन आ गया। तो इस तरह से हमने ये अपनी टेबल को कम्प्लीट किया, और अब इसे हमें ग्राफ पर प्लॉट करना बहुत सिंपल है, तो हम इजीली इसे प्लॉट कर सकते हैं। आफ्टर दिस कम टू द क्वेश्चन सेवन। यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ अ स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contributions as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. यहाँ simple situation हमें दी हुई है, यामिनी एंड फातिमा दो students हैं class 9th की, और दोनों ने contribute किए हैं 100 rupees contribute किए हैं टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स के रिलीफ फंड के लिए उन्होंने दोनों ने 100 रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं अर्थक्वेक के विक्टम्स के लिए। तो एक लीनियर इक्वेशन लिखना है, बहुत सिंपल है, रुपीज़ एक्स हम यामिनी के लिए ले लेते हैं, रुपीज़ वाई जो है हम फातिमा के लिए ले लेते हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी रुपीज़ एक्स, फातिमा रुपीज़ वाई, तो इसकी इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल हो गई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 हो गया, और इनकी टेबल बनाना भी बहुत सिंपल है, हम डायरेक्टली आप टेबल में मेंशन कर दे रहे हैं, अगर ज़ीरो लेते हैं तो हमारे पास 100 आ जाएगा, और अगर हम 50 लेते हैं तो यहाँ पर भी 50 आएगा क्योंकि दोनों का इक्वल है, और यहाँ अगर हम 100 लेते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और इस सिचुएशन को आप ग्राफ पर भी बहुत ईजीली प्लॉट कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट एट। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। देखो कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए कनाडा में जो टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है फ़ारेनहाइट में, बट लेकिन कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया में ये सेल्सियस में मेज़र किया जाता है, तो हमें उसकी लीनियर इक्वेशन भी दे रखी है, और ये जो कन्वर्जन का इसे कन्वर्ट करते हैं कि कौन किसके इक्वल है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में, आपस में क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड भी हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है, और वो रिलेशन है एफ इक्वल्स टू 9/5 c + 32 होता है। अब इस कन्वर्जन के बाद हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी हैं जिनकी की हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो फर्स्ट तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के लिए हमें एक्स एंड वाई एक्सिस को मेंशन करके एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो इस सिचुएशन में फर्स्ट पार्ट में हम वही काम करेंगे, हमने सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ले लिया, दोनों की हमने वैल्यूज़ ले ली इस इक्वेशन में प्लेस करके, तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको कन्वीनियंट लगती हैं। कुछ वैल्यूज़ हमने ली हैं, -40 लिया तो -40 आया, 0, 32, 40 तो 104, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ा कि वो सेल्सियस और ये 5 से कैंसिल आउट हो जाए और कुछ एक ईजी सी वैल्यू आ जाए ताकि हम ग्राफ पर ईजीली उसे प्लॉट कर पाएँ। तो एक 3 वैल्यूज़ हमने ली हैं, यही वैल्यू या आप जो भी लेना चाहें उन वैल्यूज़ को लेकर आप अपनी मैथ्स नोटबुक में ग्राफ को पेस्ट करके उसमें इसका इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, राइट। आफ्टर दिस
अनदर पार्ट, सेकेंड पार्ट जो हमें दिया है वहाँ पे भी वो भी हम फटाफट से रीड कर लेते हैं। उसमें हमें एक सिचुएशन दी है और हमें कहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड की हमें वैल्यू दे दी सेल्सियस की, और फ़ारेनहाइट हमें पूछा है, तो सी के प्लेस पे हमें क्या लिख देना होगा, वहाँ पे हम 30 लिख देंगे। तो यहाँ हमने कर दिया 9/5, हम एफ से ले लेते हैं ताकि एफ इक्वल्स टू 9/5, और यहाँ हमने 30 कर दिया प्लस 32, और इसे सॉल्व भी फटाफट कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 × 6 प्लस 32 आ जाएगा और वो आ गया हमारे पास 86 डिग्री, राइट। और दिस इज़ द आंसर। नाउ आफ्टर इन द नेक्स्ट पार्ट थर्ड एफ, यहाँ हमें सिचुएशन दी है थर्ड पार्ट में, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। नेक्स्ट सिचुएशन में हमें अब फ़ारेनहाइट के प्लेस में 95 लिखना है, सो हमने फटाफट से ये लिख दिया, और अदर थिंग्स जो हैं अब हमें सेल्सियस निकालना है इनटू सी प्लस 32, तो ये भी 1/1 हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 9/5, सी को हम ऐसा ही छोड़ देंगे सी, और 95 में से 32 माइनस करेंगे, 95 में से हमने 32 माइनस करा, रिमेनिंग हमारे पास में बचा, रिमेनिंग बचा हमारे पास, इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं और सारी चीज़ों को हम वहाँ भेज देते हैं, 63 रिमेनिंग बच रहा है, और सी को भी यहीं छोड़ देते हैं हम, थोड़ा सा हम ओरल भी सॉल्व कर देते हैं स्पेसिंग की प्रॉब्लम की वजह से, सी इज इक्वल टू 63 हमारे पास रिमेनिंग बचता है इसका माइनस, और 63 इंटू ये जो 9/5 था ये हमने अनादर साइड भेजा, तो 5/9 हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली आंसर हमारे पास आ रहा है 35 डिग्री, राइट सेल्सियस। आफ्टर दिस पार्ट फोर्थ पार्ट इज, यहाँ हमें दे रखा है फोर्थ पार्ट में, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। दो सिचुएशंस दी हैं हमें यहाँ, दोनों में हमें एक एक बार सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 0 0 लिखना है। सो पहले हमने एफ इक्वल्स टू 9/5 और ये हमने 0 रखा प्लस 32, तो इस सिचुएशन में तो ये पूरा 0 हो गया, तो एफ इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया 32 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। और जब नेक्स्ट हमने यहाँ पे 0 रखा तो ये 9/5 सी प्लस 32, इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही, तो हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसे यहीं छोड़ेंगे, 32 माइनस में चला जाएगा, सो माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सी हो जाएगा। और फिर इस सिचुएशन में जब हमने सॉल्व किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कटिंग हो जाएगा, और ये हमारे पास में बच जाएगा, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं कि ये आ गया -17.77 डिग्री, हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है, सो डायरेक्टली आंसर हमने मेंशन किया है यहाँ, ये हो जाएगा सी इक्वल्स टू, राइट। आफ्टर दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिफ्थ, और यहाँ हमें करना है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि दोनों ही इक्वल होते हैं, तो हम ऐसा फाइंड करते हैं एफ इक्वल्स टू, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, एफ माइनस इसे ऐसा करते हैं 9/5 के प्लेस पे हम सी के प्लेस पे एफ लिखते हैं, और ये हमने 32 किया, तो देखते हैं कि हमारे पास में क्या वैल्यू आती है। यहाँ इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, एफ इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में, एफ माइनस करना होगा क्योंकि अब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसे हम यहाँ भेज रहे हैं -9 एफ अपॉन 5 और इक्वल्स टू 32,
का एलसीएम ले लेंगे, 5 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 5f और माइनस 9f इक्वल्स टू 32। फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 में से 5 गया तो माइनस 4f और इक्वल्स टू 32 इंटू 5, और ये जो 4 है हमारा माइनस 4 ये इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ मैंने कर दिया ऐसे, माइनस 4 कैंसिल आउट कर दो, 8 फाइव ज़ा 40 आ गया, माइनस 40 हमारे पास में f इक्वल्स टू आ गया 40 डिग्री, राइट। एंड दिस इज़ द आंसर। हियर दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। एवरी क्वेश्चन एंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व इन योर मैथ्स नोटबुक एज अ होमवर्क, राइट। डू एक्सरसाइज 4.3।